नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदा परिक्रमा की इस अविरत बहती धारा का आज हमारा 38वां दिन है। शनिवार 10 फरवरी 2018 धर्मराय, पीपरीपुरा, मेघनाथ, कोटेश्वर, गेहलगांव, सिखलदा। ठंड की सुबह में प्रातः 6 बजे हम जागे, नित्य क्रम और स्नान पूजा के बाद चाय पी तथा फिर आश्रयदाता महंत जी से अनुमति ले आगे बढ़े। सोलापुर समूह सुबह ही बिना स्नान के आगे बढ़ गया है। तब हमें समझ आया कि इनकी आदत ही ऐसे चलने की है। रुकते चलते हमने बहुत दूरी तय की और हमारे विश्राम के दौरान हमने बिस्किट भी खाए। इसी तरह से दोपहर 12 पर एक गांव के दुर्गा जी के मंदिर में कुछ समय विश्राम हेतु रुके तथा फिर ग्रामीणों की सलाह पर ही मेघनाथ तीर्थ की दिशा में आगे बढ़े। मार्ग में एक जगह कल से भागवत कथा शुरू हो रही है, तो आप अगले 7 दिनों तक यही रहे ऐसा आग्रह करने वाले ग्रामीण भी मिले, पर हमारे लिए इतने समय तक रुकना सहा कर भी संभव नहीं है। इसलिए हमने हमारी बाध्यता उन्हें समझाने का प्रयत्न किया और आगे मेघनाथ तक आ गए। वास्तव में ये कोटेश्वर जाने का छोटा मार्ग है, यानी कि शॉर्टकट है। मेघनाथ तीर्थ में किसी पुल का निर्माण चल रहा है। हमने पास जाकर मैया को देखा, पर फिर भी हम बहुत ही ऊपर है, इसके नीचे जाना खतरनाक है, इसलिए हम वापस ऊपर आ गए तथा फिर वही के मजदूरों से पूछ हमने आगे जाने का मार्ग तय कर उसी ओर बढ़ चले। हम किनारे किनारे चलने के लोभ के नीचे मैया के तट पर गए, पर वहाँ से मार्ग ही नहीं था। ये वही मेघनाथ तीर्थ है जो हमें दूर कहीं बीजासन की उस पहाड़ी के आश्रम से दिखाई देता था, जहाँ हम रवि जी के पैर दर्द की वजह से रुक गए थे। यहाँ से बहुत से खेतों में जिनमें कटी हुई पम्प की खुली तारें भी बिछी हुई थी, उन सबको सावधानी से पार कर तथा 2-3 छोटे नालों को कठिनाई से पार कर हमने आगे कोटेश्वर की दिशा में हमारा प्रवास जारी रखा। कोटेश्वर पहुंचने के लिए हमने एक दलदल भरी बहुत ही चौड़ी नदी प्रवाह को पार किया तथा कोटेश्वर के घाट पर आ गए। यहाँ घाट पर ही एक चल रहे नल से हमने हमारे कीचड़ से चने, कपड़े और पैर काठी आदि धोई। यहाँ एक बूढ़ी माता राम कुछ कपड़े धो रही है। हमें वो नर्मदा मैया ही लगी। हमने सोचा मैया देखने आई है कि इतनी कठिनाई के प्रवास के बाद हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। उसके बाद हम आगे बने पक्के घाट पर आ गए। यहाँ कोई भक्त साई सेवा दे रहे थे। हमने चाय ली तथा मैंने एक और कप पुनः पिया। उन्होंने कहा जितनी बार चाहे हम पी सकते हैं। उन्हीं सज्जन ने किसी व्यक्ति से कहकर हमारे दोपहर भोजन की व्यवस्था श्री राम मंदिर आश्रम में करवाई। हमने भी हमारा सामान रख हाथ पाव मुंह धोकर भोजन किया। उन्होंने ससम्मान और प्रेम से खिलाया चावल, दाल, रोटियां, पत्ता गोभी की सब्जी और मठा। ये आज का भोजन प्रसाद था जो हमने दोपहर करीब 1:30 बजे किया। आश्रम के नियम काफी कठोर होते हैं एवं सारी गतिविधियां तय समय पर ही होती है, फिर भी हमारे लिए उन्होंने नियम में शिथिलता लाकर हमें पाकशाला खोलकर पुनः भोजन करवाया। इसका भी हमें आश्रय था। हमने हमारे पात्र धोकर उन्हें वापस कर दिए तथा फिर कुछ समय तक बाहर आकर इस आश्रम में वर्षों से निरंतर चल रही श्री राम, जय जय राम की अखंड धुन में हम भी कुछ समय तक जप करने बैठे। इसके बाद उनसे अनुमति ले हमने हमारी आगे की मंजिल
शिखलदा की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। आश्रम में हमें आग्रह किया गया था कि अगर हम विश्राम करना चाहे या रुकना चाहे तो ऊपरी मंजिल पर रुक सकते हैं, पर हम आगे ही जाने वाले थे सो हम आ गए। हम खेतों के बीच से चलते रहे, जो कि हमें एक तरफ से बड़ा मार्ग लॉन्ग कट लग रहा था, पर ग्रामीणों का मत था यही छोटा और सही मार्ग है, इसलिए हम चलते रहे। इस मार्ग में इतना ही संतोष था कि कभी कभी हमें मैया के दर्शन हो जा रहे थे, और एक अर्थों में हम किनारे जैसे ही ऊपर से चल रहे थे। एक दो जगह पर मार्ग भटक भी गए, पर किसी न किसी ने आकर हमें सही मार्ग बता ही दिया। इसी बीच एक किसान अपने खेतों में चना बूट ट्रैक्टर में भरवा रहे थे। उन्होंने हमें भोग के रूप में अपनी फसल का पहला हिस्सा लेने की इच्छा जाहिर की। हमने केवल एक दो ही बूटे लिए तो उन्होंने हमें 10-10 रुपये दक्षिणा दी, और आगे आने पर एक अन्य किसान ने हमसे उनके गांव में साई मंदिर में आज रात्रि विश्राम हेतु रुकने की प्रार्थना की। पर क्योंकि अभी चलने में समय था, इसलिए हमने आगे बढ़ना ही उचित समझा। निरंतर चलकर हमने गहल गांव पार किया तथा फिर खेतों के बाद में एक छोटा अंदरूनी ग्रामीण डामरी रास्ता देख उस पर बढ़ते हुए हम शिखलदा में आ गए। इसी मार्ग पर चलते हुए साई एंटरप्राइज के मालिक ने हमें आज उनके घर ही रुकने की विनंती की, जो हमने भी स्वीकार की। ये एक बड़े किसान लगते हैं, जिनके पास बहुत से गाय भैंस आदि प्राणी भी थे। उनके घर की ऊपरी मंजिल उन्होंने आश्रम रूप में बना रखी थी, जहां वो परिक्रमा वासियों के रुकने की व्यवस्था करते थे। हम जब ऊपर आए तो ऊपर महाराष्ट्र के 3 परिक्रमा वासियों का एक वयोवृद्ध परिवार, 2 माताएं, 1 बाबाजी रुके हुए थे। उन्होंने हमसे केवल नर्मदे हर किया, ना उन्होंने हमारे रुकने लायक जगह बनाई, ना अपने आसन थोड़े खिसकाए। हमने भी इसका बुरा नहीं माना और खुशी से दरवाजे के किनारे ही थोड़ी सी जगह में हम दोनों ने सोने लायक जगह बनाकर अपने आसन लगा लिए। उनका भोजन बन ही रहा था, पर उन्होंने इस बारे में भी हमसे कोई पूछताछ नहीं की। हमने सामने ही बने स्नानागार में स्नान करके फिर नित्य का पूजन अर्चन किया। तब तक सोलापुर समूह भी यहाँ आ गया। उनमें से 2 ने बाहरी बालकनी में अपने आसन लगाए तथा 2 ने यहाँ इस कक्ष में अंदर। सोलापुर समूह के माने काका ने हम सभी बसे हुए सह परिक्रमा वासियों के लिए रात्रि भोजन प्रसादी में खिचड़ी बनाई, जो हमने संतोष से रात्रि 8 बजे खाई। इसके बाद हम लोग बहुत समय तक बातें करते रहे। रवि जी ने अपनी दिनचर्या लिखी। मैंने श्री लाला राम जी को भी हमारे यहाँ तक पहुँचने की सूचना दे दी। आगे के बड़ा वर्धा गांव में हमें हमारा दक्षिण तट पर सुरक्षित रखा हुआ सामान मिलेगा, ऐसी जानकारी उन्होंने हमें दी। ये महाराष्ट्र के परिक्रमावासी अपनी 3री परिक्रमा में है, फिर भी कैसे इनमें इतनी भी इंसानियत नहीं कि अपनी आवश्यकता से अधिक का अन्य के लिए त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वे थोड़ा अपने आसनों को खिसका लेते तो बाकी के सोलापुर के 2 परिक्रमावासी भी अंदर ही आकर सो सकते थे। ये सोचकर हमें थोड़ा अजीब लगा, पर सबकी अपनी अपनी सोच, ऐसा मान हमने नर्मदा मैया को प्रणाम कर अपनी आंखें सपना नगरी में जाने हेतु बंद की। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नर्मदे हर।